हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या CUET के थ्रू ही बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है? तो आंसर है यस, CUET के थ्रू भी आप जो है बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर करती है आफ्टर CUET एग्जाम। ठीक है, तो फटाफट बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन पे आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है जो आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है। यहाँ पर जो है आप दो ही ब्रांचेस में जो है बीटेक कर सकते हो, पहला है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है आपका मैथमेटिकल इनोवेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो ब्रांचेस में जो है बीटेक कर सकते हो। देन उसके बाद सब्जेक्ट नीडेड, देखो भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि ये आपको जो है मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल करवाएगा। ठीक है, तो आपको जो है CUET में इन सब्जेक्ट को जरूर रखना है अगर आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो देखो सेक्शन वन से जो आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश का टेस्ट दे देना। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे सेक्शन टू से आपको जो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, और सेक्शन थ्री से GT। ठीक है, तो आपको जो है सेक्शन वन से लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज दे देना, सेक्शन टू से आपको जो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और सेक्शन थ्री आपको जो जनरल टेस्ट वो देना है। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट नीड टू पास क्लास 12। तो यहाँ पर देखो कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है क्लास 12 में जो पास होना है। ठीक है, और क्लास 12 में आपके जो मेन सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ओके, समझ गए। देन उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। सब्जेक्ट नीडेड फॉर CUET, देखो CUET में आपको क्या सब्जेक्ट रखने हैं, अभी भी फिर से बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने रख लिया तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो सेक्शन वन से जो आपको वन लैंग्वेज देना है, ठीक है, एंड सेक्शन टू से आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एंड सेक्शन थ्री से जनरल टेस्ट। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई आपको जो क्लास 12 में पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स, तो 50% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे तो क्या प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। तो ये तीन ब्रांचेस हैं, यहाँ पे आप तीन ब्रांचेस जो है यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए आपके, देखो CUET में लैंग्वेज दे देना एक, ठीक है, सेक्शन टू से आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स देने हैं, एंड सेक्शन थ्री जो है जनरल टेस्ट आपको देना है। देन उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई क्लास 12 में जो आपको पास होना है विद 45% मार्क्स, ठीक है, तो 45% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और सब्जेक्ट जो यहाँ पे CUET में देने, आपको एक लैंग्वेज देना है, ठीक है, डोमेन से आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। देखो यहाँ पे चॉइस है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में, इन तीनों में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट देख सकते हो। ठीक है, देन सेक्शन थ्री से आपका है जनरल टेस्ट, आपको देना ही देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात बताऊँ तो यहाँ पर देखो 50% आपके क्लास 12th में होने चाहिए और हैव अ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका हेमावती नानंद बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या क्या ऑफर किए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, तो बता देता हूँ मैं आपको। बीटेक है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है, उसके बाद बीटेक है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। देन उसके बाद और ही ब्रांचेज के पास देखो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप जो इतने सारे ब्रांचेस परस्यू कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट बात कर लेते हैं CUET में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो सेक्शन वन से आपको जो है लैंग्वेज देना है, सेक्शन टू से आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स देना है, और सेक्शन थ्री से जो है आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम जो है देना है। एलबीडी क्राइटेरिया की बात करें तो भी क्लास 12 45% मार्क्स आपके होने जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद कुछ यहाँ पर देखो सेक्शन टू में यहाँ पे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सेक्शन टू से आपको जो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का एग्जाम आपको देना है, डोमेन सब्जेक्ट है आपके। ठीक है, एलबीडी क्राइटेरिया में ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, भाई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको जो है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आप जो है इसको परस्यू कर सकते हो। सब्जेक्ट आपका जो है यहाँ पे CUET में होना चाहिए लैंग्वेज, सेक्शन टू से आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सेक्शन थ्री से आपको जो है जनरल टेस्ट देना है। देन उसके बाद एलबीडी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है इसमें तो आपको जो है क्लास 12th में कितने मार्क्स, 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर देखो बीटेक
सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इतने सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन वन से आपको जो है एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है, सेक्शन टू से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री, यहाँ पे चॉइस है कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री में, ठीक है। आप किसी का भी एक का एग्जाम दे सकते हो। और सेक्शन थ्री से आपको जो है जनरल टेस्ट का पेपर देना है सीयूटी में। देन एलबीटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई क्लास 12 पास होना चाहिए आपका, यहाँ पर कितने मार्क्स, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। देन अब है आपका ए डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो प्रोग्राम यहाँ पे क्या ऑफर किया जा रहा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर, तो तीन ब्रांचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसका सब्जेक्ट की बात करें तो एनी वन लैंग्वेज आपको जो है सीयूटी से देना है। सेक्शन टू से फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक, तो यहाँ पे चॉइस है आपका कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट भी तो ये भी दे सकते हो, ठीक है। और सेक्शन थ्री से आपको जो है जनरल टेस्ट देना ही देना है। एलबीटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई क्लास 12th में आपके जो है यहाँ पे 40% मार्क्स होने चाहिए फॉर एससी एसटी, और जनरल के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में। देन उसके बाद है आपका श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कर सकते हो। सब्जेक्ट आपका एनी वन लैंग्वेज, आपको कोई सा भी एक लैंग्वेज देना है सीयूटी में। सेक्शन टू से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री, एंड सेक्शन थ्री से जनरल टेस्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा सीयूटी में। एलबीटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई यहाँ पर 75% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में, तभी आप जो है एलिजिबल हो, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट आपका, एक सेकंड, मेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऑल्सो हैव वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल, ठीक है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स हो गए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे ये आपको ऑफर कर रहा है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा है आपका सेक्शन वन से एनी वन लैंग्वेज आपको देना है। देन सेक्शन टू से एनी डोमेन सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री, ये आप इसके एग्जाम आपको देने पड़ेंगे सीयूटी में। सेक्शन थ्री से आपको जो है जनरल टेस्ट देना है। देन उसको एलबीटी की बात करें तो भाई यहाँ पे जो 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। ऑल्सो ये अप्लाई होता है कश्मीरी माइग्रेशन के लिए भी, तो वो बच्चे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये हो गए आपके 10 टॉप कॉलेजेस जो आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।